स्ट्रेट लाइन ने आज से लगभग 6 महीना पहले आपको एक अपडेट दिया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 18,000 रिक्त पदों को आइडेंटिफाई किया है और इन 18,000 वैकेंसीज को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया जाएगा और एक साल के अंदर अंदर इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद लगातार आप लोग ये सवाल पूछते रहे कि आपने तो 18,000 वैकेंसीज की बात की थी, वो वैकेंसीज कहाँ गई। हमारी उसी बात पर आज उस मोहर लगाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ये बात कही कि 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज को जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन आने वाले एक साल के अंदर अंदर फिलअप करने जा रहा है, इसकी तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि बेईमानी से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी बिका करती थी, अब बिकने का कारोबार जम्मू कश्मीर में बंद हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि सब इंस्पेक्टर फा और जेई सिविल के मामले में CBI जो पड़ताल कर रही है वो पड़ताल काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है और अब आखिरी चरणों में है, जल्द उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जो चेहरे उस स्कैम के पीछे थे। लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कितना ताकतवर आदमी उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट इम्तिहान हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान हो या जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान हो, इन तीनों इम्तिहानों को नवंबर के महीने में कराने का इरादा जम्मू कश्मीर की सरकार का है। टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर भी उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा पारदर्शिता के साथ टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। टेंडर के मुकम्मल होने के बाद अब जब एक एजेंसी को चुन लिया जाएगा, उस एजेंसी के चुने जाने के बाद जम्मू कश्मीर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करेगा और इस रिक्रूटमेंट में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट होगी, सबसे पहले सब इंस्पेक्टरों का इम्तिहान जो है CBT मोड पर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी बड़े से बड़े चोर को बख्शा नहीं जाएगा और जो ऑलरेडी तय शेड्यूल हुआ है, जिस शेड्यूल के तहत सरकार ने यह तय किया है कि साल के बचे हुए इन महीनों के अंदर अंदर, आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर है, मार्च 31, 2023 से पहले पहले रिक्त पदों को भरा जाएगा और 11,000 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया जाएगा, 11,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब ये तो हम एक साल से सुनते आए हैं, लेकिन इस एक साल के अंदर अंदर जब रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ तो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधली हुई, फार्म में धांधली हुई, जेई सिविल में धांधली हुई, जिसके चलते ये सारे का सारा प्रोसेस रुक गया। और उसके बाद एक और जानकारी आप तमाम लोगों तक की, जानकार सूत्रों के मुताबिक अब ये पता चल रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम कैलेंडर इशू करने जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कल टेंडर फाइनल होता है और किसी एजेंसी को नियुक्त कर दिया जाता है, किसी एजेंसी को एग्जाम कराने की इजाजत दे दी जाती है, उसको ठेका मिल जाता है, उस ठेके के मिलने के फौरन बाद सबसे पहले सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है और दिसंबर के महीने में उसके बाद बाकी इम्तिहान भी होंगे। लेकिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें कमर बांध ली चाहिए और उन्हें फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ तैयारी के ऊपर। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस और उसके बाद जेई सिविल जल शक्ति, वो इम्तिहान होंगे। और एक और चीज यहां पर आई थी, ये कहा गया था कि जनाब 1085 पोस्टें जो जेई सिविल की रेफर होने वाली थी वो पोस्टें अभी तक रेफर क्यों नहीं हुई, उसको लेकर भी सुनने में यही आ रहा है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो एडवर्टीजमेंट आने वाली है। एडवर्टीजमेंट में कोई टेक्निकल फ्लॉ न रह जाए, कोई कमी कोई कमजोरी उसके अंदर न रह जाए, उस कमी और कमजोरी को एड्रेस करने के लिए जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड बिल्कुल चाहती है कि वो कॉन्फिडेंट हो जिस वक्त एडवर्टीजमेंट इशू किया जाए, ना कैटेगरी का उसके अंदर कोई गड़बड़ हो, ना कोई और परेशानी हो कि जब आप एडवर्टीजमेंट इशू करें उसके बाद आपको पता चले कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने RBA कैटेगरी को खत्म करके OBC कैटेगरी लाई है या किस कुछ और कैटेगरीज को खत्म करके सिर्फ OBC रखा है, तो उन सारी कैटेगरीज की पोस्टों को क्लब करना पड़ेगा, तो वो क्लब नहीं होगी, वो परसेंटेज देखनी पड़ेगी कि कितनी परसेंट OBC आता है, 14% आता है, 17% आता है, 27% आता है, वो डिपेंड करेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार उसको लेकर क्या फैसला लेती है। उसके बाद जहां तक जूनियर असिस्टेंट का ताल्लुक है उसमें भी आने वाले कुछ ही दिनों में एक बोर्ड मीटिंग होगी और उस बोर्ड मीटिंग में जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट को लिया जाएगा और प्रोविजनल लिस्ट हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रोविजनल लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाए।
लेकिन बहुत सारे बच्चे जिस वक्त मुझे भी फ़ोन करते हैं, तो आपको एक बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि जब टाइमलाइन कोई दी जाती है, टाइमलाइन देने का मतलब ये नहीं है कि उस टाइमलाइन के अंदर चीज़ें होंगी। आप जानते हैं सीबीआई का प्रोब चल रहा है, साथ साथ में पोस्टें भी रेफर हो रही हैं, साथ साथ में रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं, साथ साथ में टेंडरिंग का प्रोसेस है वो भी हो रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एक ही वक्त पर हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आपके लिस्ट को कहा गया अक्टूबर के आखिरी दिन तक यानी 31 अक्टूबर निकल जाएगी, तो 31 की जगह अगर 4 या 5 अक्टूबर हो जाए या नवंबर हो जाए या 6 नवंबर हो जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही क्लास फोर्थ के वक्त भी हुआ था, स्टेट लाइन लगातार आपको ये कहता रहा कि लिस्ट कब तक निकलने वाली है, हमने आपको एक टाइमलाइन दिया, उसके बाद आपने उस लिखना शुरू कर दिया कि जनाब वो लड्डू कहाँ गए, आप लड्डू की बात कर रहे थे। तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जब भी पत्रकार कोई इन्फॉर्मेशन लाता है, वो इन्फॉर्मेशन सरकारी किसी कर्मचारी के द्वारा या सरकारी किसी विभाग से अगर आती है, जितनी इन्फॉर्मेशन हम तक आएगी वही इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन जिस तरह की आती है उसी तरह की हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आने का मतलब ये हो गया कि अगर कह दिया 31 तारीख, हो सकता है 2, 4, 5 तारीख हो जाए, 6 तारीख हो जाए, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि हमेशा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, रिजल्ट के मामलों में और बाकी तमाम मामलों में अक्सर रिक्रूटमेंट एजेंसीज में कोई ना कोई किसी न किसी तरह की अप एंड डाउन चलते रहते हैं और कोई टाइमलाइन देना जो है वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम कोई टाइमलाइन ले लें। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी बच्चे हैं, प्रोविजनल लिस्ट को लेकर सुनने में यही आ रहा है कि जल्द से जल्द वो प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है, लेकिन ज़रूरत यह है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, आप थोड़ा शांति के साथ धैर्य बनाए रखें। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि फा और सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान, और उसके अलावा फा सब इंस्पेक्टर जेई सिविल, और उसके अलावा 1085 पोस्ट है, और उसके अलावा अन्य कई और विभागों में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों पोस्टें निकालने जा रही है। आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें, आपका फोकस आपकी पढ़ाई होना चाहिए, ना कि आपका फोकस ये बात होनी चाहिए कि हम आज क्या करें, हम कल क्या करें। ये भी आप कह रहे हैं एलजी सेट अगेंस्ट 30,000 पोस्ट जॉब रिक्रूटमेंट्स डन, 30,000 पोस्टों को लेकर उन्होंने कहा कि 30,000 पोस्टों को जो रेफर किया गया था उसके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट मुकम्मल की गई है। इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट है, JKPSC की रिक्रूटमेंट है, JKSSB की रिक्रूटमेंट है। अगर आप इन सारी रिक्रूटमेंट्स को मिलाकर देखते हैं तो नंबर लगभग 30,000 के करीब करीब बनता है। लेकिन उसमें दो बड़ी रिक्रूटमेंट्स जिनमें झटके लग गए, एक सब इंस्पेक्टर और दूसरा फा की रिक्रूटमेंट, अगर ये दोनों रिक्रूटमेंट्स भी हो गई होती तो शायद ये नंबर इससे भी बड़ा होता। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर आप तक यही पहुंचानी है कि पहली तो ये क्लास फोर्थ को लेकर भी कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं, मैं अभी क्लास फोर्थ को लेकर स्वास्थ्य विभाग से डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूं, और अगर डिटेल्स मिलती हैं और डिटेल्स मिलने के बाद अगर संभव हुआ कि हमारे पास साधन वसीले हुए, साधन वसीले का मतलब ये कि अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँगा, यानी मैं चूँकि मैंने ट्रैवल करना है आज रात को 9 बजे के बाद मैंने ट्रैवल करना है, तो अगर मैंने ट्रैवल नहीं किया तो तब संभवतः मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 8:30 और 9 के बीच में आपके साथ जुड़ूं और आपको वो डिटेल्स भी दे दूं। कोशिश मेरी ये रहेगी, लेकिन अगर नहीं जुड़ पाए तो कल फिर जम्मू से जो डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपके साथ नई दिल्ली से ये डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो हमने 18,000 वैकेंसीज का कहा था उसमें से 7,000 वैकेंसीज को फिलअप कर दिया गया है और 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी भी हैं जिन्हें PSC और SSB में रेफर किया जाएगा, और सरकार कह रही है फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि फास्ट ट्रैक कितना है, तो बहरहाल सरकार का दावा है, सरकार दावा कर रही है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास उसके मुताबिक मैंने आपको कहा कि जूनियर असिस्टेंट की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 2-4 दिन और डिले हो सकती है, और उसके बाद वो लेकिन वो डिस्ट जल्द से जल्द पब्लिक होगी, ये बात पक्की है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम कैलेंडर भी आने वाले कुछ ही दिनों में अनाउंस करने जा रहा है, आपको वो जानकारी भी मिल जाएगी, और उसके साथ में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की डेट, फा की डेट और JEE सिविल की, तीनों इम्तिहानों की डेटें भी नोटिफाई कर दी जाएंगी।